हेलो गाइस, मैं हूं बबली और इस वक्त मैं और मेरी पूरी टीम, इंडिया टाइम्स की पूरी टीम, हम मूवी देखने आए हैं द केरला स्टोरी। आज हम जानेंगे कि इस मूवी में क्या है क्या नहीं। जैसा कि इस मूवी में बताया गया है कि केरल से 32,000 हिंदू लड़कियां गायब हुई थी, तो आज हम मूवी खुद देखने आए हैं और देखेंगे कि क्या सच में केरल में 32,000 लड़कियां गायब हुई हैं केरल से। तो चलिए सिनेमा हॉल में और जानते हैं, पब्लिक रिव्यू भी दिखाऊंगी मैं आपको, तो चलिए चलते हैं। Syria. No one forced you to come. This is what is emerging out. Krishamadi. वो ये है कि दुनिया के हर मुल्क में हमें दीन कायम करना है। जब तक कि इस दुनिया का हर एक इंसान अल्लाह के दिखाए हुए रास्ते पर न चले, तब तक ये जहाद कायम रहेगा। तुम्हें कोई गाना आती तो सुना, हमें हिंदुस्तानी गाने बहुत पसंद है। मैं एक्चुअली पहले बहुत सुनती थी गाने। मैं पाकिस्तान के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं था और आज भी नहीं है। हमें तुम जैसे जवानों पे भरोसा है, तभी तो हम तुम्हें बॉर्डर पार करवाते हैं। जिहाद के लिए तो जान कुर्बान है, लेकिन बॉर्डर पर अमेरिकन आर्मी ने रोका तो उनसे सिर्फ अंग्रेजी में ही बात करना, ह्यूमन राइट का परचम लहरा लेना, कोका कोला पिलाकर हमें बॉर्डर पार करवा देंगे। उन्हें पता है कि तालिब लोग जाहिल होता है। हाँ, एक बात दूर, तुम्हें अमेरिका से नहीं बल्कि लगा कि केरल से सीरियसली 32,000 लड़कियां जो बोला गया हिंदू गायब हुई हैं, वो गायब हुई हैं लड़कियां? हाँ, गायब हुई हैं। मूवी देखकर आपको कैसा लगा? रियल में ऐसा सब कुछ हुआ है? रियल में हुआ है, बिल्कुल रियल स्टोरी बेस्ड है। बिल्कुल रियल है। कश्मीर फाइल्स में भी सेम यही था, ये बिल्कुल स्टोरी रियल है। सर, मूवी कैसी लगी आपको? मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी, और आज की डेट में ऐसी मूवी आना एक हिंदू के लिए ना अच्छी बात है, क्योंकि आने जो पहले का टाइम था, हिंदू के जो हिंदू ऐसा धर्म है ना, उसको बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया था। तो ऐसी मूवी आके एक जो बोला जाता है ना कि आप जागरूक हो जाओ, जो पहले किया जाता था अभी हिंदू के साथ, ऐसी मूवी ला के हिंदू को जागरूक किया जा रहा है। तो अच्छी मूवी थी, काफ़ी अच्छी मूवी थी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गलत मतलब तरीके से वो किया गया है, जो कि मीन्स लोगों को ऐसे मिसलीड कर रहे हैं, इन चीज़ों को दिखाया गया इसमें। तो आपको क्या लगता है, इस मूवी से जो आज की जनरेशन है वो कुछ सबक सीखेगी? बिल्कुल सीखने वाली चीज़ है, कॉज की किसी की तरीके से कोई मिसलीड कर रहा है तो उससे हमें पहले सोचना चाहिए क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मीन्स अपनी एक चीज़ें है सीखना भी चाहिए। इससे बहुत आगे लोग, बच्चे जितने भी नए जनरेशन आगे आने वाले में सीख तो मिलेगी मिलेगी। रियल स्टोरी बेस्ड है मूवी? हाँ, रियल ही है, ऐसा हो भी रहा है। सर, मूवी बहुत अच्छी है और इसे सबको देखना चाहिए, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पंथ या धर्म कहो उसको टारगेट बिल्कुल नहीं करती है, सच को सामना करती है, सच को दिखाती है। तो आई होप कि सबको देखना चाहिए ये मूवी, और मैं कुछ खास कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि सब कोई आके इस मूवी को देखे और सच को जाने कि इसके पीछे क्या एजेंडा, क्या चल रहा है, और खासकर लड़कियों तो जरूर देखना चाहिए। थैंक यू सो मच। इस मूवी को लेके बहुत बवाल भी हुआ रिलीज होने से पहले, तो एक्चुअली इस मूवी को मूवी की तरह देखें, क्योंकि उसमें एक्टिंग की गई बेसिकली, उसे सीरियस उसमें ना, लेकिन जो चीज़ें हो रही ना उसके लिए ज़रूर जागरूक होना चाहिए। जिस तरीके से मूवी में दिखाया वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा था, हद पार इतनी बेस्ट एक्टिंग थी एक्टर्स की। बट हाँ, अपनों में नहीं करें ये सारी चीज़ें, लेकिन ऐसी चीज़ों को जरूर हर किसी को आके ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए एक बार। बहुत अच्छी है और हर एक इंडियंस को देखना चाहिए मूवी। इंडिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आज के टाइम में ये मूवी सबको देखना चाहिए, बहुत ही अच्छी मूवी है। एवरी वुमेन एंड गर्ल्स मस्ट सी दिस मूवी। Yeah, so I just want to say, every movie has to be this two parts. One should be positive and one should be negative. But I feel like they have shown only the negative part, and the audience was like kind of very dumb, I must say. People were sitting behind me, and there was some dialogue where Shalini felt so broke, and there was one guy who was saying ki, और बन मुसलमान हिजाब पहन। तो यू आर हेयर टू वॉच अ मूवी एज अ ऑडियंस, यू आर नॉट हेयर टू कमेंट ऑन एनीवन्स रिलीजियंस। सो दिस मूवी वाज गुड, सिनेमाटोग्राफी वाज गुड, बट आई डिड नॉट सी एनी पॉजिटिव पार्ट्स। बहुत अच्छी मूवी है, रियल स्टोरी। बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये सब ठीक हो तो अच्छा है।
ये चीज़ें इतनी किसी को पता नहीं है ना मोस्टली ये सब, इसलिए सबके सामने ये चीज़ें आई हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग जाने ये सब क्या हो रहा है। इमोशनल पार्ट क्या लगा? सबसे लास्ट जब सब एक साथ हो जाते ना तो दैट्स द मेन रीज़न कि किसी को पता ही नहीं है कि ये सब चीज़ें हो क्या रही हैं। अब जब लास्ट में सबको पता चलता है वो लव जब एक साथ हो जाएंगे ना, मेन चीज़ ये है कि लोगों को पता चलेगा तब जाके ये सब चीज़ें ठीक होगी। मेन सी लास्ट का सीन मेरे को बड़ा वो या मैम मूवी हकीकत है, मतलब जो हुई है, जो भी घटना हुई है हमारे देश में या जो भी हुआ है, बट अभी भी कुछ लड़कियां हैं जो हमारी हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हैं बट वो सुधरने का नाम नहीं दे रही हैं। उनको लग रहा है कि हमारा वाला ऐसा नहीं है बट इनफैक्ट वो ऐसा ही है। तो मैं भैया हाथ जोड़ के ये बात कैसे कह सकते मैम, मैं देख रहा हूँ ना अभी भी मैं है, मेरे साथ में मेरे दो तीन फ्रेंड भी हैं, उनको समझा चुका हूँ, उनको ऑलरेडी वो दूसरी लड़की के साथ भी है, इसके साथ भी है, पता नहीं क्या गोली उनको देते हैं, समझ में नहीं आता उन लोगों को ये चीज़। कितना भी समझा दो कि नहीं यार जब वो किसी और के साथ रिलेशन में है तो तू उससे दूर है, नहीं रहना उसको, उसको लगता है कि नहीं यार वो जो बोल रहा है वो सही है, वही सही है। मैं अपील करूँगा कि भैया दूर रहें और इंसान पहचान। आपके अकॉर्डिंग मुसलमानों से दूर रहना चाहिए? नहीं, मैं हर मुसलमानों से नहीं कह रहा, जो मूवी में तो यही था ना। हाँ तो मतलब है यही चीज़ मैम, फैक्ट ही है, आप ये मान लो फैक्ट ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि मैं जो अभी देख रहा हूँ, अभी जो हकीकत देख रहा हूँ, या मेरे साथ भी हैं दो तीन जो दोस्त काम करते हैं, उनका भी बिहेवियर इसी टाइप का है। ठीक है, वो एक लड़की के साथ है, वो भी हिंदू लड़की है, उससे भी लव मैरिज करी, अब उसको छोड़ के फिर दूसरी हिंदू लड़की से लव मैरिज कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? लव मैरिज तो एक ही बार होगा ना, या बदलता रहेगा हर किसी को, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। एक्चुअली मैंने एक चीज़ देखी कि रिलीजन एक उसको साइड में रखते हैं, मतलब इस्लाम को मेन, जो ये चीज़ मूवी हिट करती है कि इस्लाम की हिट नहीं बट दूसरी चीज़ कि हिंदू हिंदू नहीं हो रहे हम लोगों को नहीं पता है, उन लोगों को सब पता है अपने धर्म के बारे में बट हमें नहीं पता है कि हमारा रिलीजन क्या है, हम लोग व्रत क्यों रखते हैं, हमारे भगवान कौन है, तो कमज़ोर हम लोग हैं, वो लोग गलत नहीं। अगर हम लोग स्ट्रांग होंगे, अगर उन लड़कियों का बेसिक्स अच्छा होता, उनको पता ही नहीं था अपने धर्म के बारे में, उस लड़की ने जो सिखाया वो सीखा, तो अगर हमें अपने बेसिक्स और प्रिंसिपल्स पता होंगे तो ऑफकोर्स हम कोई किसी को कन्वर्ट नहीं करा सकता। वो क्रिश्चियन लड़की बच गई, उसके बेसिक्स अच्छे थे, तो ऐसे ही हिंदू के जिस दिन बेसिक्स अच्छे होंगे, हम लोग अपनी बेटियों और बेटों को सिखाएंगे कि तुम्हें भी व्रत रखने चाहिए, तुम्हें भी पूजा करनी चाहिए, तुम्हें भी डेली मंदिर जाना चाहिए, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं बनेगा, मुस्लिम मुस्लिम रहेंगे वो भी अच्छे रहेंगे, हम भी हिंदू रहेंगे, सब साथ में रहेंगे। देर इज़ नथिंग अगेंस्ट एनी कम्युनिटी और एनी रिलीजन, इट इज़ पर्टिकुलरली अबाउट द पीपल हु आर इन रिलेटेड टू दर ISI एंड दे आर कन्वर्टिंग हिंदू गर्ल्स एंड क्रिश्चियंस एंड अदर रिलीजन्स फ्रॉम एनी अदर कंट्रीज। सो एज अ सोसाइटी वी शुड रेज आवर कलेक्टिव वॉइस अगेंस्ट दीज एट्रोसिटीज एंड एड्रेस देम, एंड देर इज़ नो प्रोपेगेंडा एंड देर इज़ नो फॉल्स फैक्ट्स एंड any other false agenda from this movie, and this is the message that we should give to our future generation, that we should connect to our roots and what do I say, as I am a Hindu girl, I do not hate any Muslim or any Christian on the religious basis, but I would like to say that they are Muslim, they follow in their religion, it's good thing, but as a Hindu I am following mine, so there is nothing wrong in following my own path. So these things should be keep in mind to the future generation. Friends, आप लोगों ने पब्लिक रिव्यू देखा, आप लोगों ने जाना कि लोगों ने ये मूवी देखकर उन्होंने क्या बोला, किसी लोगों ने बहुत से लोगों ने बोला कि ये मूवी जो है रियल स्टोरी पे बेस्ड है, बहुत से लोगों ने कुछ प्रोपागेंडे के लिए भी बोला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब देखना ये है कि आपकी इस पर क्या राय है, आपकी जो भी राय है वो हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, लेकिन हाँ मेरी तरफ से यही बोला जाएगा कि ये मूवी जो है सच्ची में दिल दहला देने वाली मूवी है, रोंगटे खड़ा कर देने वाली मूवी है, मूवी अच्छी है, लेकिन हाँ अब थोड़ा बहुत अपना माइंड भी ज़रूर यूज़ करना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। अगर आप नहीं अब तक ये मूवी नहीं देखी है तो आप ये मूवी देख लीजिए। आपका इस मूवी के बारे में क्या कहना है हमें कॉमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मैं बबली, कैमरामैन शानवाज अंसारी के साथ इंडी टाइम्स।